ठीक है, चलो कभी भी वार्म अप किया है, रनिंग किया है, कितना किलोमीटर रनिंग किया है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रनिंग करने के बाद में एक्सरसाइज हुआ, अब एक्सरसाइज के बाद में अब स्ट्रेचिंग। यदि स्ट्रेचिंग आप कर रहे हैं तो आपका जो बॉडी होगा फ्लेक्सिबल होगा, और एथलीट बनने के लिए सबसे पहला जरूरी है तुम्हारा बॉडी कठोर ना हो, टाइट ना हो, बल्कि स्ट्रांग हो और स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच मतलब जैसे पैर हाथ सब मतलब स्ट्रेचबल हो, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा डंबल फंबल ऐसा मार के पूरा हार्ड बॉडी कर देना, ऐसा बॉडी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप कर रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, गर्दन को ऐसे पकड़ो, धीरे धीरे तो यहाँ पे पकड़ के धीरे धीरे नॉर्म, इसको ऐसे लॉक कीजिए, इसको खड़ा रखिए और सीधा इसको खींचिए, धीरे धीरे इसको रलाइए, यहाँ पे ऐसे खड़ा करके ऐसे लाइए, इसको पकड़िए, पूरा बॉडी स्ट्रेच, बॉडी सीधा आगे रहना चाहिए, इसको केवल हाथ पे स्ट्रेच करिए, नॉर्मल धीरे धीरे, इसमें जोर देकर कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, स्ट्रेचिंग पूरा इसको। नेक्स्ट, अब इसको बैक साइड, बैक साइड करने के लिए इसको ऐसे कर लो, हाथ को ऊपर में उठाओ और इसको ऐसे पकड़ो, पकड़ लिया, पकड़ लिया ऐसे, इसको खींचो थोड़ा सा, दोनों ओर ही खींचो अपने ओर, चेंज सेम ऐसे ही पकड़ के अपोजिट साइड करो और लॉक करो और खींचो, दोनों खींचो पूरा, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऊपर में देखो, ऐसे खींचो, ऐसे लगा इस पोजीशन में है, ऐसे लॉक करके जैसे प्राणायाम आगे करते हैं ऐसे करो, ऐसे करके पूरा, चलो लॉक करो, आगे ला इसको डाउन, पूरा बॉडी सीधा रख के इसको उठा के ऐसे पीछे स्ट्रेच कर, नॉर्मल इसको फुल स्ट्रेच कर, नॉर्मल इसको फुल स्ट्रेच कर, नॉर्मल तो उठाइए, इसको लॉक कीजिए और इसको खींचा दीजिए, बॉडी सीधा होना चाहिए, धीरे धीरे सिर सीधा होना चाहिए, धीरे धीरे ये हैंड तुम्हारा 180 डिग्री एंगल में होना चाहिए और बॉडी को धीरे धीरे झुकाइए, हैंड सीधा होना चाहिए, सामने देखिए, बॉडी सीधा रखिए, धीरे धीरे कमर से फोल्ड कीजिए, इसको टच कीजिए, धीरे धीरे फोल्ड करके डाउन, अब 30 मिनट पूरा हाथ को लॉक कीजिए ऐसे पूरा अप, धीरे धीरे पेट से डाउन होइए, सिर अंदर होना चाहिए, इसको पकड़िए तो ठीक से होल्ड कीजिए, चारों अंगड़ी अंदर होना चाहिए, सीधा फुल स्ट्रेच कीजिए, खींचिए
इसको डाउन कीजिए, ऐसे होना चाहिए तुम्हारा पोजीशन, सीधा होना चाहिए। इसको एक 19 डिग्री कोण बनाना चाहिए, हैंड को धीरे धीरे उठाते हुए बैक। चेंज करके ऐसे करो पूरा, इसको सीधा रखो, इसको ऐसे करके होल्ड नॉर्मल, धीरे धीरे हाथ चलाइए पूरा घुटना ऐसे, होल्ड धीरे धीरे हाथ को सीधा, चेंज इसको ऐसे बनाइए, इसको धीरे से पैर को ऐसे खोलिए, देखिए ऐसे पैर को ऐसे खोलिए, अपने पैर पे ठहर लाइए, सब एक दूसरे के सामने आ जाओ, धीरे धीरे फैला, धीरे धीरे फैला, पूरा फैला, पूरा डाउन, हाँ चलो उधर सब चेंज, उधर घूम जा, अपने बॉडी को कल उधर घुमा लो, बॉडी को घुमाओ उधर, धीरे धीरे अप, धीरे धीरे अप हो जा, सामने एक दूसरे को लग जाए, अप हो, पहले रुक, हैंड लॉक, तुमको यहाँ पे रखना है, ठीक है, चलो उठो, धीरे धीरे अप, घुटना सीधा रखना है, आगे बढ़ते जा पूरा, पूरा, पूरा और आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़ पूरा, आगे बढ़, आगे बढ़, नहीं हो रहा तो एडी पे उठ, भाई बराबर करो, देखो तू टच कर, पूरा उठा, पूरा स्ट्रेच कर, फुल स्ट्रेच कर, बराबर होल्ड कर, सब होल्ड करेगा उतने ही पे, जितना कैपेसिटी है उठा के होल्ड कर, बैठवा दीजिए सर, नॉर्मल धीरे धीरे डाउन, पूरा उठा के स्टॉप, शॉट शॉट आगे, बुरा बुरा होल्ड कर इतना ही पे, चल धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, अब आराम से चला, जितना हो रहा है उतना ही रुक के रहो, और थोड़ा सा चाहेगा उसे थोड़ा सा और ऊपर होगा, बस चलो पूरा फैला, पकड़ लिया आप दोनों का, एक दूसरे का पकड़, हाँ पकड़ लिया, एक इधर वाला पर्सन लेट, इधर वाला लेट, लेट लेट पूरा, सीधा ले, सीधा ले, सीधा कर मुंडी, हाँ धीरे धीरे आप, चल उधर डाउन, उधर डाउन, डाउन धीरे धीरे डाउन, डाउन डाउन, चलो धीरे धीरे आप नॉर्मल, एक दूसरे के पकड़, एक दोनों एक दूसरे के पैर खोलने की कोशिश कर,
फिर अपन बस जितना हो रहा है उतना ही हो। और अपना पैर को जैसे मेरा पैर ऐसे रखे हैं तो अपने पैर हाथ पीछे कर एक दूसरे को और धीरे धीरे अपने बॉडी को ऐसे ला पैर को एकदम धीरे धीरे आप करेगा पूरा धीरे 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 धीरे। हाँ घुटना को सीधा रख के इसको जितना सताने की कोशिश कर धीरे धीरे डाउन 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 धीरे धीरे पूरा स्ट्रेच कर जितना जा रहा है पुल डाउन 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 धीरे धीरे डाउन करते जाओ एकदम धीरे धीरे डाउन कर धीरे धीरे घुटना सीधा होना चाहिए चल धीरे धीरे डाउन कर डाउन 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 होल्ड सब होल्ड कर उतना ही पे जितना जा रहा है डाउन कर डाउन धीरे धीरे एकदम रख धीरे धीरे नॉर्मल चेंज अपोजिट साइड घूम जाओ और चेंज करके करो नीचे से सटा के उठाओ धीरे धीरे इस पे हाथ धरना है हल्का जोर देना है और ऐसे करके इससे काना पे लगा के और धीरे धीरे डाउन करना है पोजीशन एंड सीधा रख विवेक धीरे घुटना सीधा रखो घुटना पर हाथ धरो और धीरे धीरे टच करो जितना आगे धीरे धीरे एकदम करना है और जितना पे अच्छी हो उतना पे होल्ड करके रुकना है चलो डाउन घुटना सीधा रख घुटना सीधा रख हाँ घुटना सीधा रख धीरे धीरे डाउन करेगा डाउन धीरे धीरे डाउन 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 धीरे 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 आप करोगे एकदम धीरे धीरे पूरा उठाओ जितना उठ रहा है तू सब आराम से चीट करो टुंडी सटा इसके टुंडी करो जितना स्टॉप होल्ड करो टाइट धीरे धीरे डाउन कर धीरे धीरे डाउन चेंज योर लेग करो ना होल्ड कर नीचे जमीन में सटा जमीन में सटा भाई एडी सटा होना चाहिए अब धीरे धीरे आगे खड़े एडी उतना नहीं चाहिए जितना सटा है उतना ही बढ़ेगा एडी से टच टच कर एडी उठाते रहो जब तक वो ना कहिए धीरे धीरे उठाओ
आप मेरी धरो, मेरी पकड़ से उठा। ना लिया, ना के होल्ड कर। उठा उठा के जमीन को छुड़वाओ उसको। जमीन में उसका बॉडी टच नहीं होने दे, उठा के हैंड रोक। छोड़। वेट डाउन कर। इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे, ठीक है, और धीरे धीरे ऐसे डाउन करना है, पूरा वेट देना है। चलो स्टार्ट करो, जितना हो रहा है उतना डालो। आगे देखो मुड़ी, आपको ऐसे रख, दबा ऐसे लग कर, और धीरे धीरे अप, होल्ड होल्ड कर उतना ही। घुटना आगे स्ट्रेट कर, दोनों पैर का 180 डिग्री कोण बनना चाहिए। पूरा टच कर जमीन, नॉर्मल पर रख के और तब करो, भले आगे करो पैर और तब करो, स्टार्ट टच करो, ठीक होगा। जमीन में इसको सटाने की कोशिश कर, डाउन, सब डाउन, डाउन कर पूरा, इसको हाथ से, हाँ, घुटना एकदम पूरा टच करके करते रहो।